शिवोदिभारं शमादिसारं जगदीकसारं डुमूर्यन्ताडुं डुमूसिद्धाडुं डुमुआर्याडुं डुमूच्छायाडुं परम सिद्ध भवानी की एक चढ़गवान शांतिराय स्वामी की एक चढ़गवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसा मय विश्व धर्म की जय गुरुदेव। बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम शैव राजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो जयवंत विद्राग सुरवण संस्कृति भगवत अर्थ परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देवनी विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यानुभूत प्रदान किया है। वह सत्य धर्म वास्तविक स्वरूप आज अल्प लोगों के पास है। सत्य को समझने की योग्यता, सत्य को जानने की योग्यता, सत्य को समझाने की योग्यता और सत्य में जीने वालों की योग्यता विशिष्ट सूक्ष्म विशिष्ट साधना के माध्यम से ही प्राप्त होता है। और सूक्ष्म की विशेषता चाहिए तो ध्यान विशिष्ट चाहिए। जब तक ध्यान एकाग्र नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं हो सकता, और जब तक ज्ञान पवित्र नहीं होगा तब तक भगवान बनने वाला ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए जितने छात्र हैं, बालकों, तुम घर छोड़ के यहां आए हो, माता पिता ने विश्वास के साथ तुमको भेजा है और आचार्य बाहुली महाराज ने आपके लिए एक स्थान बनाया। सुज्ञानमती माता जी बैठी है यहां रह करके एक निर्णय करना है। आचार्य अकलंक स्वामी अपने भाई को खो करके बेटा जिन धर्म की रक्षा की है, मस्तिष्क में बुद्धि में एक विषय आपको रखना है कि मैं मात्र अपने जीवन जीने के लिए या ज्ञान प्राप्त करने नहीं आया हूं,
भगवान महावीर के सिद्धांतों को जगत में फैलाने के लिए आया। यदि हम अध्ययन नहीं करेंगे, शास्त्रों का पठन पाठन नहीं करेंगे, भाषा व्याकरण का ज्ञान नहीं करेंगे और सिद्धांतों को नहीं समझेंगे, तब तक आप जैनत्व की रक्षा नहीं कर सकेंगे। कोई 80 साल के होने के बाद प्रतिज्ञा नहीं लेना पड़ती बेटा। जैसे जमीन में स्फुटित अंकुर अंदर अंदर विशाल वृक्ष का रूप लेता है, ऐसे ये जितने वयोवृद्ध यहाँ बैठे हैं, ट्रस्टी हैं, समझ रहे ना, संस्था के मुखिया है, समाज है, ये आपको बच्चा ही देखती रहे, इनकी बुद्धि में तुम बच्चे दिखते रहो, पर अपनी बुद्धि को बच्चा बना के नहीं रखना है, अपनी बुद्धि को हमको वृद्ध बना के रखना है। और जिसकी बुद्धि विकसित है वही वृद्ध है। निर्णय आज ही करना, आज अभी, कि मुझे विश्व में वो सिद्धांत फैलाना है जिस सिद्धांत के बल पर जगत चल रहा है पर छिपा के रखा हुआ है। आज आपसे प्रश्न किया यार, विश्व की रचना किससे होती बेटा? विश्व की रचना किससे हुई? जो अणु का सिद्धांत है, सारा ब्रह्मांड, सारा लोक, सारा विश्व अणु से बना हुआ है। ऐसा लोक में कोई द्रव्य नहीं है जो दृष्टिगोचर आपको हो रहा है, सब अणु का परमाणु है। जय भैया, जो कुछ दिख रहा अणु का परमाणु है। जो पौद्गलिक वस्तु है सब अणु का परमाणु है। और अणु की व्याख्या आपकी भाषा में वैज्ञानिक कर रहे हैं, जबकि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वासूत्र के 5 मध्य में अणु की व्याख्या की। बेटा भेदा, बोलिए भेदा दड़ू, भेदा। जितने धर्म ग्रंथ हैं शास्त्री जी, बेटा खड़ा हो जा माल्थोन, इन बच्चों को उनके माता पिता ने आपके विश्वास पर भेजा है, इनको इतना ज्ञानी बनाना, वो आवश्यकता पड़े समय निकाल करके, आपको पढ़ना तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन इन बच्चों के साथ ऐसा ज्ञानी बनाना कि यहाँ से सिद्धांत से निकले बच्चे महावीर के सिद्धांतों का गुंजन करें। नवागढ़ में जय भैया बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्रसन्नता इस बात की है, चारों ओर तीर्थ स्थापित हो रहे हैं, उनकी भी आवश्यकता है। ये जिन शासन स्थापित हो रहा है तो जिन तीर्थों की रक्षा के लिए ये चेतन तीर्थ स्थापित होना चाहिए। इन बालकों के मध्य में से कितने पंडित दरबारीलाल कोठिया जैसे निकले, पुष्प जी से निकले, और कितने मित्र आचार्य बाहुली विद्यानंद विद्यासागर विराग सागर जैसे निकले हैं। और इतने ही नहीं, हमको समंत वृद्ध दिखाना है। सब बच्चे एक साथ खड़े हो जाओ, सब एक साथ खड़े हो जाओ बेटा। जब तक अध्ययन कर रहे हैं, बीड़ी गुटखा तंबाकू सिगरेट मद मांस मधु इन सब का त्याग, ठीक है बेटा। ये तो महाराज जी इनका मौजी बंधन संस्कार जब हुआ तक दीक्षा नहीं होती तब तक शिक्षा नहीं होती, ठीक है बेटा। और ये तो तुम्हारी दीक्षा हो गई, अब शिक्षा लेना है। नानम पयासो, बोलो बेटा, नानम पयासो, नानम पयासो, बोलो जोर से, याद हो गया, बोलो। बहुत बढ़िया। आज से प्रतिज्ञा लेता हूं, किस बात की? जब तक मेरा जीवन रहेगा शरीर में,
तब तक अरहंत के शासन का प्रकाश करूंगा। बोलो बेटा, ये सिद्धांत तीर्थ का जो पानी पिया है उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और तू बेटा जिनवाणी हाथ में लेके प्रतिज्ञा कर रहा, ठीक है, मतलब अपनी आजीविका के लिए पढ़ने नहीं आया हूँ, भगवान महावीर के सिद्धांतों को विश्व में फैलाने के लिए आया हूँ। यदि एक छात्र भी आगे निकल गया तो पूरे विश्व में आनंद छा जाएगा। और आज आपको मालूम होना चाहिए, मालूम जैसे आज तुम यहाँ पढ़ रहे हो, ये मत सोचो हम ही लोग पढ़ रहे हैं। हर संप्रदाय में अपनी अपनी विधा को छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। समाज का दायित्व है मुखियों का, एक मंदिर की एक भवन में कमी आ जाए, इन बच्चों में कमी नहीं आना चाहिए। यदि ये तुमने खड़े कर दिए तो आज आपने जिन शासन खड़ा कर दिया। देखो संपूर्ण ट्रस्ट कमेटी आपके साथ धन खर्च कर रही कि नहीं बेटा, कर रही ना। तुम्हारा दायित्व है जैन समाज का पैसा की कीमत हम जिनमानी दे के चुकाएंगे। बैठ जाओ। आप सबको दुख में खुशी है मालूम, मैं भी तो आप ही जैसा था ना, था कि नहीं। निर्णय अपना होना चाहिए। क्या वृद्ध सोचते रहे बच्चे हैं, लेकिन हमको बच्चे बन के नहीं जीना है। जहां इनकी सोच नहीं पहुंच पाई हो वो हमको सोचना है। जितनी आचार्य कुंद कुंद स्वामी, आचार्य गोवर्धन स्वामी, आचार्य गोवर्धन स्वामी, उन्होंने भद्रबाहु स्वामी को बेटा खेलते खेलते ही देखा था। गोटी पर गोटी रख रहे थे और गोटी पर गोटी रखते रखते देख करके भद्रबाहु स्वामी, छोटा सा नन्ना सा बच्चा, उनके गुरु महाराज गोवर्धन आचार्य स्वामी ने कहा, बेटा तेरा घर कहाँ है? चंदगिरी में गोमटेस में एक पत्थर पर शिलापट्ट है जहां पर गोवर्धन स्वामी की अंगुली पकड़ी हुई है कौन? भद्रबाहु बालक। और आगे आगे जा रहा है मुड्डाज, पीछे पीछे हैं, अपने घर की ओर ले जा रहा है। और घर के द्वार पर पहुंचे, उनके पिताजी मिल गए, बोले ये बच्चा मुझे दे दो। आचार्य महाराज ने अपने निमित्त ज्ञान से जान लिया ये होनहार बालक है और भविष्य में जिन शासन का उद्योतन करेगा, मालूम तो पिताजी की आदत होती है कैसे देते, उन्होंने टाल दिया माँ के ऊपर, बोले उसकी माँ से पूछना पड़ेगा। जैसे आपके पिता को कोई वस्तु किसी को देना नहीं है तो क्या बोलते, बोले उसी माँ के से पूछना पड़ेगा, जैसे पूरा अधिकार उसी का हो। बस मैं समझ जाऊँ कि बहाने बना रहा भाई, पर गुरुजी गुरुजी थे, बोले हाँ। इतने में बात हो ही रही थी, माँ भी अंदर से बाहर आ गई, बोले क्या हो गया? बोले गुरुजी कह रहे बालक मुझे दे दो। अब तो तुम दोनों सामने हैं, बोलो बालक मुझे दे दो। एक आचार्य पुनमेष्टी नन्हे से बच्चे को मांग रहे थे। अब सोचिए क्यों, जब जय निशान जैसे विद्वानों को, मुकेश जैसे विद्वानों को धर्म से बैराग होने लगता है तब आचार्यों को धर्म से राग होता है। शरद जी एक वीतरागी दिगंबरा चार, हो सकता है कि आप होते तो यूं बोलते, ओ आचार्य महाराज एक श्रावक के द्वार पर खड़े हुए, देखने वाले यही बोलते हैं। जब तक आपको अभिप्राय का बोध न हो तब तक मुख खोलने की आवश्यकता किसी को नहीं है। ये गुण विषय को समझिए, जब तक किसी का अभिप्राय का ज्ञान न हो तब तक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कहां खड़े थे? एक श्रावक के गेट पर खड़े हुए आचार्य गोवर्धन स्वामी, आचार्य शांति सागर महाराज दिल्ली के लाल किले के सामने फोटो खिंचवा रहे थे। शरद जी उनके सामने के जो विद्वान थे उन्होंने विरोध कर दिया, और ऐसा विरोध किया
कि आचार्य महाराज इतने ज्ञानी होकर के उन्हें फोटो खिंचाने का शौक चढ़ा हुआ है। अभिप्राय का ज्ञान नहीं था, आंखों देखा विषय था। एक फोटो खिंचाने के 5 उपास किए उन्होंने प्रायश्चित में। इसके बाद कहा, इस शांति सार का फोटो नहीं खिंचाया हमने, कल को इस लाल किले के सामने, इंडिया गेट के सामने से कोई ये नहीं कह पाएगा कि यहां दिगंबर मुनि नहीं निकल सकते, तस्वीर तुमको प्रमाण देगी कि यहां से भी निकल सकते हैं। यदि कोई अचानक पहुंचता और ये भाई साहब मोबाइल लेके पहुंच जाते हमारे अध्यक्ष जी और फोटो खींच लेते इनका, गोवर्धन आचार्य का, एक बच्चे की अंगुली पकड़े हुए हैं और एक ब्राह्मण के द्वार पर खड़े हुए हैं, कौन गोवर्धन आचार्य, इतने बड़े आचार्य, सूत्रधर आचार्य। पर वहां देखा क्या, ये बालक मुझे दे दो, ये बालक मुझे दे दो, एक बच्चे की भीख मांग रहे हो। ओ बालक न देते उनके पिताजी तो बेटा समझो आप सबको देख करके, तीर्थ को देख कर जितनी खुशी हुई ना उतनी खुशी आप सबको देख करके मुझे हुई। क्यों, जहां लोग अपने बच्चों को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखा रहे हैं, जहां लोग अपने बच्चों को, बालक अपने बच्चों को तीर कमान सिखा रहे चलाना, वहां यहां गुरुकुल में बच्चों को जी और जीनो देने का पाठ सिखाया जाता है। मां अब तुम दोनों निर्णय करके बताओ, ये बालक मुझे दे दो। बोले आप क्या करोगे, मैं इसका अध्ययन कराऊंगा, श्रुत धर बनाऊंगा। बोले अध्ययन कराओगे गुरुजी, अब क्या बोल सकते थे मुनिराज, कोई कुछ बोल सकता है। बोले गुरुजी क्षमा करना, हम बालक दे सकते हैं लेकिन शर्त ये आपको भी मेरी मानना पड़ेगी, आप उसको दीक्षा नहीं देंगे। क्या कहा, आप दीक्षा नहीं देंगे। अलम ठीक है, मैं इसको 16 वर्ष तक अध्ययन कराऊंगा और आपके पास भेजूंगा, और वापिस मेरे पास दिया गया तो दीक्षा दूंगा। बोले सोचते हाँ चलेगा चलेगा। अरे भाई दिगंबर मुनि के पास एक दिन कोई आ जाए उसका जाने का मन नहीं करता, और 16 वर्ष तक, ये दिख नहीं रहा आपको नन्हे नन्हे बच्चे, देखो इनमें एक बालक बैठा टीकमगढ़ का, मालूम है ऐसे गौर गौर के देख रहा था सारस्वत सागर जी को, तो मैं समझ गया जरूर ये टीकमगढ़ का होगा। भाई टीकमगढ़ खड़ा हो जा, हाँ जय भैया, नमोस्तु तो हमें कर रहा था और चेहरा उनका देख रहा था, सो मैंने अनुमान प्रमाण से जान लिया कि बेटा तुम टीकमगढ़ के हो ना। देख लो उनका चेहरा, और विचार ये करना यहाँ बैठ करके मात बेटा अपन को समाज की रोटी का बर्बादी नहीं करना है, समाज की एक रोटी खाना अपन को इतना देना है कि पूरी समाज भी सोचेगी किसी बच्चे को हमने पढ़ाया था। वो उनके माता पिता बोले दीक्षा नहीं देना, आचार्य महाराज बोले ठीक, उन्होंने अपनी शर्त रख दी, वापस आ गया तो आपसे पूछूंगा नहीं लेकिन एक बार मैं आपके पास भेजूंगा। मिश्री खाई कभी, मिश्री खाई, अच्छा बालक कोई तुम्हारे मुख में मिश्री दे दे
वो तुरंत निकाल ले, तुम दबाओगे कि निकल पा दोगे? बोले बड़ी मुश्किल से तो आइए, तनक चाक तो लें दो हमारे लिए। ओहो हो, अंदर दबा लोगे, अंदर दबा लोगे, कौन छोड़ने वाला मिस्री को? ऐसे अरहंत के शासन में और वीतरा की गोवर्धनाचार्य से आचार्य के चरण मूल में बैठ करके और आगम का अभ्यास करे और दोबारा घर चला जाए, संभव नहीं है। भद्रबाहु बालक के पिताजी मालूम धीरे से क्या बोलते हैं, मुकेश वो ज्योत्साचार थे, भाट जाति के ब्राह्मण थे, बहुत बड़े ज्योत्साचार थे। जब माता पिता की स्वीकृति मिल गई, वो बात पूर्ण हो गई, पे धीरे से पंचांग उठाकर मालूम क्या बोलते उनके पिताजी, बोले गुरुजी बताऊं? बोले हाँ बोलिए। हमने जातक के बालक के पूरे ग्रह नक्षत्र देखे हुए हैं, इसके संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों में दिगंबराचार होने का ही नियोग है। जब योग है तो मना क्यों? लेके गए बालक को 16 वर्ष तक बेटा सुरत का अध्ययन कराया, द्वासांग सिखा दिया। ओ कहता है गुरुजी दीक्षा दो, एक दिगंबर मुनि विश्व में हिमालय हिल जाए, शीतल हो जाए, सुमेरु हिल जाए, अग्नि शीतल हो जाए और पूर्व दिशा में उगने वाला सूर्य पश्चिम में उगने लग जाए, पर सच्चा भावलिंगी वीतरागी मुनि जो कह देता उसे करके ही मानता है, उसे छोड़ता नहीं। सच्चा मुनि अपने बचनों से मुकरता नहीं, एक बार निर्णय लेता है और जो बोल दिया बार बार बदलता नहीं है। इसलिए मुरझा जी कहते देखो समझेंगे सोचेंगे, और जो बोल दिया मुख से निकल गया वो काम पूरा होना ही चाहिए। ओह गुरुजी दीक्षा दो, बस नहीं मुझे दीक्षा चाहिए। बोले आपको दीक्षा चाहिए, हमने आपके माता पिता को वचन दिया है, आप एक बार अपने घर जाइए। बालको एक समय था, इधर देखो ये तो पंडित जी हैं, ये वृद्ध लोग खड़े हुए हैं, ठीक है ना? वो समय कितना था, एक विद्यार्थी अध्ययन करके अपने घर पहुंचे ना, भद्रबाहु स्वामी को जब गृह प्रवेश हुआ, नगर प्रवेश, राज्य सम्मान के साथ विद्यार्थी पढ़ के आया है। इतने चारित्रवान बन के जीना, इतने चारित्रवान बन के जीना, ये माताजी भी कहे, हम छात्रों को देख रहे हैं कि अपने गुरु महाराज की दृष्टि को देख रहे हैं। जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी न जाए, निगाहें नीचे हों या ऊपर हों, तिरछी ना हों। जिन्होंने आंखों को संभाल लिया है, जिन्होंने आंखों को संभाल लिया और श्वासों को संभाल लिया, वे ही साधु हैं। अपनी डायरियों पर लिख लेना, जिन्होंने आंखों को संभाल लिया, सांसों को संभाल लिया, वे ही साधु है। जिनकी आंखें संभल गईं और श्वासें संभल गईं, मन को अपने आप संभलना पड़ता है। सब समझ रहा हूं मैं, आप लोगों बच्चा नहीं मान रहा, विश्वास मानिए, ये भले आपको ट्रस्टी बच्चा माने, मैं आपको बच्चा नहीं मान रहा। बोले क्यों, प्रश्न करो ना क्यों? न्याय दीप काम बेटा, बच्चों के बहुत भेद किए हैं, उम्र बाल, ज्ञान बाल, चारित्र बाल, ठीक है, ज्ञान वृद्ध, उम्र वृद्ध, चारित्र वृद्ध। भक्तम्बर आता है, अच्छा
भक्तमर आता है, भक्तमर याद है आप लोगों को पूरा? और सुनो, कोई बालक खड़ा हो जाए, सातवां काव्य पढ़ाइए बेटा, बच्चा सुनाएगा, बच्चा बेटा सुनाओ, बहुत बढ़िया। मालूम जितनी खुशी आपको नहीं है वो पंडित जी को है, जो तुमको पढ़ा रहे ना उन्हें खुशी ज्यादा है, है? धर्मशास्त्र से पढ़ा रहे हैं। आओ भाई इधर, ये भी बुंदेलखंडी जीव है, नेकोरा के भैया कहाँ से आए हो? हाँ बुंदेलखंडी हो ना, मैं चेहरा पकड़ लेता हूँ। भाई बच्चों के साथ खड़े रहो बेटा, जितना वो पढ़ रहे हैं आज से आपको प्रतिज्ञा लेना है कि गुरुजी अभी तक हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए थे, बच्चों को नहीं अब आपको पढ़ाई करना है। शास्त्री कहाँ से की? सांगनेर से की ना, तो उस समय तुमने शास्त्री करने के लिए पढ़ाई की थी, अब आपको ज्ञानी बनने के लिए पढ़ाई करना है। और हम जैसे आदमी भी कहें कि भाई क्या नाम? निशिकांत जैन। निशिकांत जैन, निशिकांत, निशिकांत जी को बुला लो। जैसे ये जय निशांत बैठे, जब ये छोटे से, तो छोटे से इनसे पूछना कि षटखंडागम धवल आदि की वाचना होती थी टीकमगढ़ में, तो पंडित धरवालाल कोठिया को बुलाया जाता था, समझ गए? पन्नालाल साहित्याचार, धरवालाल कोठिया, जगनमोहन लाल शास्त्री, पंडित गुलाबचंद जी पुष्प, ठीक है, सौर्या जी, पठा जी, ये बड़े बड़े विद्वान थे शरद जी। यदि ये विद्वान मुनि बन गए होते ना तो कितने श्रेष्ठ आचार्य बनते। पर मैं यही सोचता था इन विचारों को वैराग्य ही नहीं हो रहा है। लेकिन निशिकांत, आज से तुमको अपने कक्ष में कम से कम 5 घंटे पढ़ाई करना है। कोई काम और भी है क्या आपके यहाँ? पढ़ाते ही कोई और भी काम है? पढ़ाने का ही और देखरेख का भी। देखरेख तो ठीक है, आपको 5 घंटे अध्ययन करना, 5 घंटे। 1 घंटे तो करता हूँ, 1 घंटे का नियम है, ठीक है? और 5 घंटे आपको गहरा अध्ययन करना है। इन बच्चों को यहाँ से निकलने के पहले लोग कहें ये सिद्धांत शास्त्री, न्याय शास्त्री हैं, आप अच्छे से पहले सर्वासिद्धि पढ़ो। राजवार्तिक पढ़ो, श्लोक वार्तिक पढ़ो, ठीक है? इन ग्रंथों पढ़ोगे ना बेटा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि ये ना समझे कि हमने विधान पूजन कराना सीख लिया, अच्छे से काम चले, वो भी जरूरी है, लेकिन कल आपके सामने कोई खड़ा हो गया, मैं आपकी शायद बात को समझना चाहता हूं, वो भाई ब्रह्मचारी मोटा बैठा भोला, मित्र देख इधर, ए बालक, मेरी उम्र छोटी थी, मैं मुनि महाराज था, ठीक है, इनके गांव में मेरा चातुर्मास चल रहा था, इन्हीं जैसे मोटे मोटे 4 पंडित आए बनारस से, ऐसे मोटे मोटे कि कमरा भर गया 2-4 में ही, इतने मोटे थे, वे चारों आके बैठ गए, उन्हें प्रणाम भी नहीं किया, सीधे बैठ गए। वो बोले मुझे शादबा समझ में नहीं आता आपका, और मैं छोटा सा बच्चा, अब ये ट्रस्टी खड़े थे मंदिर के, वे घबराए, अरे हमारे महाराज छोटे से हैं, अब कहीं धर्म की हंसी ना हो जाए, उत्तर नहीं दे पाए, तो उन्होंने सीधा बोला मेरे से, बोले मैं आपके शादबा को समझना चाहता हूं, मुझे शादबा समझाइए। बेटा 30 मिनट के अंदर उन्हें ऐसा शादबा समझ में आ गया, जब जाने लगे ना प्रणाम दंडवत ऐसे लेट गए, उस समाज में मिठाइयां बटने लगी। इसलिए आपको खेल कूद भी करना है, नहीं तो हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे, परंतु
अध्ययन ऐसा करना है कि एक दिन विशुद्धमती माताजी, विशुद्धमती माताजी नीरज सतना की बहन थी बेटा, पन्नालाल साहित्याचार्य ने उनको पढ़ाया और बाद में माता इतनी ज्ञानी हुई कि उनके गुरुजी को कहना पड़ा साहित्याचार्य जी को, ऐसा गणित का ज्ञान तो मुझे भी नहीं है जो विशुद्धमती को है। मालूम वो ज्ञानमती का एक व्याकरण पढ़ाता था एक पंडित, वो बोला कि ये माताजी वो दो दिन का विषय दें वो आधे दिन में पूरा कर ले, वो थक गया पढ़ाते पढ़ाते। तो ऐसे ही तुम्हारे पंडित है ना निष्कांत, ये थकने लग जाए तुम सब छात्रों से, बोले इतने प्रश्न करना और इतनी पढ़ाई करना, बोले हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं और तुम पढ़ाने के लिए आए हो, बस इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं। ये ज्ञानी, जब मैं 17 साल का था ना तब जय भैया हमें देख रहे थे, याद है भाई? मालूम बेटा, हमने गुरु विराग साहब से बोल दिया था कि आप पढ़ाओ हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने में नहीं थकना, हम पढ़ाने में नहीं थकना, हम पढ़ने में नहीं थकेंगे। 3 बजे रात्रि के 3 बजे ऐसे पिच्छी ना ऐसे कर देते थे वो सिर पे, बोले उठ जा चाहे ठंडी हो गर्मी हो, बस 3 बजे गुरुजी ने उठा दिया, पढ़ो। भाई बच्चों ने नियम लिया है, तुम भी कार्य से करो, इस बात का इनका जीवन बना के निकालेंगे। बैठ जाओ बेटा। मालूम ये तुम्हारे गुड़गांव वाले लोग बैठे ना बाहर के, दिल्ली के, बम्बई के सब, ये मालूम क्या देख रहे हैं? बोले आज तो गुरुजी कुछ बातें ही नहीं कर रहे हैं। बोले इसलिए इनसे बात नहीं कर रहे हैं, इनका भविष्य नष्ट हो गया कि भूत नष्ट हो गया, और भविष्य नष्ट ही दिख रहा है आपके अंदर, मुझे सब कुछ दिख रहा है। देखो बेटा एक और दृश्य दिखाते, अनुपम भैया खड़े हो जा बेटा, इनका चेहरा देख लो, कभी तुम भी कहोगे कोई आदमी आया था। एक केएल जैन हुए, लक्ष्मी चंद जी एलसी जैन जबलपुर, मालूम वो बहुत बड़े गणितज्ञ थे जैन दिगंबर परंपरा में। वर्तमान में ये भैया पीछे खड़े हैं, देखो ये गणितज्ञ हैं और आचार्य महावीर, महावीराचार्य ग्रंथ, अपने ग्रंथ का नाम है महावीराचार्य महाराज ने गणित सार नाम का ग्रंथ लिखा है, महावीराचार्य महाराज ने गणित सार नाम का ग्रंथ लिखा है, ठीक है ना? तो गणित सार जैसा ग्रंथ जो शून्य की व्याख्या है, अनुपम भैया विश्व को किसने दी? शून्य लिखते ना, शून्य दशमलव शून्य, वो किसने दिया आपको? दिगंबराचार्य शरणंदी नाम के आचार्य ने सारे विश्व को शून्य दिया बेटा, शून्य। तो जब जब आवश्यकता पड़े निष्कांत बेटा, कभी ऐसे शिविर लगाओ, इनको बुलाओ, इन बच्चों के साथ गणित की व्याख्या की जाए, लोगों को विश्वास होना चाहिए, सारे विश्व को व्याकरण, गणित, ज्योतिष, न्याय इन और आयुर्वेद, इन पर लिखने वाले श्राद्धों को आचार्य दिगंबराचार्य हैं, सर्वाधिक लिखने वाले दिगंबराचार्य हैं। तो मैं मुकेश से बोलता रहता, भाई इस पंचांग से इति मत कर लेना, तिलोक पंडिति तिलोक सार से पंचांग बनाइए आप। ठीक है बेटा, कभी तुम भी कहोगे हम बच्चे थे ना तब अनुपम को मैंने देखा था, ठीक है ना? जैसे मेरे से कोई पूछे महाराज जी आप क्या हो, वो मैं कह रहा हूँ भैया मैंने गुलाब चंद जी पुष्प को देखा, पन्नालाल साहित्याचार्य दरबार कोटिया से मैं पढ़ा हूँ बेटा न्याय। अब सोचो इन विद्वानों के मिलने से और ज्ञानी योगियों के मिलने से अपने अपने उत्साह शक्ति बढ़ती है। बैठो भैया, भद्रबाहु स्वामी की बात पूरी करके फिर तुम जाओ, ठीक है? जब भद्रबाहु स्वामी 16 वर्ष के हो गए,
गुरुजी ने भेज दिया वापस। बालक एक दिन नहीं टिका घर में, कहता पिताजी से बस मुझे गुरुजी के पास जाना है। ओह सुब्रत सागर जी, ये दिल्ली के लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे पास सूचना आई। भाई सरद जी कासलीवाल जी, कोई ने पूछ दिया, बोले दिल्ली में वो महाराज जी आए थे, पीछे भीड़ क्यों भाग रही थी? कल सूचना मिली मुझे कल, बोले भीड़ क्यों भाग रही थी, तो गुड़गांव में वही हुआ। तो आपके गोदाजी बोले, कोई ने गोदाजी से पूछा होगा, बोले भैया पता नहीं मेरी भी समझ में नहीं आ रही है, पर उनको देखकर कैसा लगता कि इनके साथ चलो, सो सब लोग आगे चल देते साथ साथ। मित्र मुझे देख के कोई नहीं आता है, भगवान की महावीर की मुद्रा इतनी श्रेष्ठ है कि दुनिया उनके पीछे चलती है। भद्रभाऊ स्वामी माता पिता की अनुमति लेकर के, और दूसरे दिन उन्होंने नहीं सोचा कि संक्रांति के लड्डू और खा लूं, ओहो सीधे निकल गए। और जैसे ही पहुंचे, आचार्य महाराज ने केश लुंचन करा के दिगंबरी दीक्षा दे दी, और मेरे मित्र अल्प समय में तुरंत ही आचार पर पद अधिष्ठित हुए, वो अंतिम श्रुत के बली, अंतिम श्रुत के बली भद्रबाहु स्वामी हुए। जिनकी गाथाएं, जिनकी प्रशंसा आचार्य कुंद कुंद देव ने अपने ग्रंथों में लिखी है, वो अपना गमक गुरु के रूप में भद्रबाहु स्वामी को स्वीकार किया। सारस्वत जी गमक गुरु, बेटा वही बच्चा था जो गोटी पर गोटी रख रहा था। इसलिए भैया कहीं ऐसा मत सोचना, आप ट्रस्टियों से कह रहा हूं कि बाहुली सागर महाराज जी आए, ये विद्यालय खुलवा के खर्च और बढ़ा गए हैं, ऐसे कभी मत सोचना, कभी मत सोचना। एक बच्चा भी हमारा निकल गया और भद्रबाहु स्वामी जैसे हो गया, ये पैसे किस काम के, तो जिन शासन को आगे बढ़ाएगा। निष्कान जो आपसे करे वही जय निशान से कर रहे हैं। मित्र पूरा देश तुमको दान दे रहा हो, देगा बच्चों के लिए, लेकिन खाना अच्छा खिलाना, देखो मुख्य बिंदु है भोजन अच्छा कराना बच्चों को। क्यों? जो माँ का दुलार है वो ट्रस्टियों का दुलार मिलना चाहिए इनको। ये मत सोचना कि बाहर के बच्चे हैं जीते रहेंगे, मट्ठा रोटी मत खिलाना, इनको दूध रोटी खिलाना। मालूम दो वस्तु होना चाहिए, दो वस्तुएं दुनिया को तुम अपना बना सकते हो, मीठा खिलाओ मीठा बोलो। माता जी तुम कैसे भी मीठी मीठी बोल रही थी, मालूम हनुमान सागर जी दुनिया को अपना बनाने की दो ही कला है। देखो बाल को, मेरे साथ भी बच्चे भी बैठे हुए पीछे, इनसे पूछो माता की याद नहीं आती क्या? अब से सब मुनिराज बनने वाले हैं। मालूम घर में एक माता मिलती है, हमारे साथ रहोगे जिस घर में जाओगे माता ही माता मिलती है। ये माता कितने दुलार से हार कराती है। ओह इसलिए किसी को अपना बनाना है, दो बिंदु, धन से कोई अपना नहीं बनता, वो स्वार्थी होते हैं। मीठा खिलाओ और मीठा बोलो, मीठा बोलो प्रेम से बोलो, धुतकारो मत किसी को, किसी को मत धुतकारो, सब भगवान आत्मा है। ओह सब भगवान आत्मा है, मुमुक्षु आष्टा सुन रहा कि नहीं, सब भगवान आत्मा है। इसलिए अपने जीवन में यही मंगल आशीष सभी के लिए कि इसी प्रकार से अध्ययन करना, भगवान की भक्ति करना, पूजन पाठ भी सीखना, अरंत की भक्ति भी करना, और निर्गंत गुरु आ जाए, श्रीमण श्रीमणिया आरका माता जी जो भी आए बेटा, सबको आहार देना, सबको आहार देना। कितनी ठंडी पड़े गर्मी पड़े, बोले ठंडी गर्मी बाद में है, जिन धर्म पहले है। ठीक है, ये सभी मुनिराज ऐसे शीत की बाधा में बिहार कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं?
ये तन बाद में है, जिन धर्म पहले है, और जिन धर्म अपर नाम निज आत्मा। ठीक है, जितनी श्रावक श्राप है, देख बालको ये सुबह से ये सेठ लोग आ गए, क्यों आए? घर में होते ना तो ठिठुरते बैठे, कहीं ताप रहे होते, लेकिन सब यहाँ सुबह से आ गए ट्रस्टीगण, ये क्यों आए? बोले तन बाद में है, जिन धर्म पहले है। इसलिए अपने मन में विचार करना, उत्साह शक्ति, गुब्बारा जानते हो फूकना, जानते हो गुब्बारा? जमीन में पड़ा रहता बेटा, वो हवा भर दो तो बोलो बोलो कहाँ जाता है? आकाश में उड़ता ना। बस बेटा मैं कुछ नहीं करने, तुम्हें हवा भरने आया हूँ तो उड़ो आकाश में। आकाश में उड़ो, आकाश में उड़ो। निर्णय आज ही करना पड़ेगा, निर्णय आज ही, तुम्हें करना क्या भविष्य में? बालक बेटा खड़ा हो जा, कितने नन्हे से बच्चे हैं, तुम्हें क्या करना भविष्य में? सीए बनना। अच्छा तुम सीए बन गए और ट्रस्ट को जरूरत पड़ गई तो फिर क्या करोगे? सहयोग करोगे नहीं करोगे? करोगे। अच्छा जैन धर्म की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। फीस मांगोगे? फीस मांगोगे? नहीं बेटा, पैसे नहीं मांगना। यूं कहना, जिसने हमको इतना ज्ञान दिया उसे पैसे नहीं मांगूंगा। वो विषय अलग है कि काम करने वाले को पैसे देना चाहिए। बैठ जा बेटा, उसी ये बनना उसको। भाई तुमको क्या बनना? खड़े हो जाओ। हाँ अरे सब सीए बनने वाले हैं। अच्छा एक सवाल पूछ लेता हूँ, बैठ जा। तुम सीए बनने वाले भाई टोपा वाला? हाँ तुम्हें क्या बनना है? हाँ डॉक्टर बनना। अच्छा कोई महाराज जी माता जी का स्वास्थ्य खराब हो गया तो उपचार करोगे कि नहीं करोगे? कि पैसे मांगोगे? नहीं मांगोगे। ठीक है, सबको डॉक्टर सीए बनना है। कौन है ये? खड़ा हो जा। एक आ तो राम निकले। बेटा आपको क्या बनना है? भविष्य में क्या बनोगे बेटा? क्या बनोगे भविष्य में? मराधी है? मराधी। बहुत बढ़िया बेटा, मराधी बनोगे। ठीक है, अच्छी पढ़ाई भाई, इसको ज़्यादा पढ़ाना आपको, उसको महाराज ही बनना है। नहीं सबको पढ़ाना है, पर बेटा ये नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, परंतु भाव अच्छे रखना और दुनिया से दूर रहना, सिनेमा टीवी इनसे दूर रहना। ठीक है, बाल बच्चों से दूर रहना है और अच्छे महाराज बनना। किससे दीक्षा लेना आपको? हमसे लेना है। ओहो चलो भाई, सिद्धांति सिकोपुर में आने का लाभ तो मिला, अपन को एक छात्र तो मिल गया। ठीक बेटा भाई, अच्छा दिन कराना। बैठ जा बेटा, भावना को प्रवर जीवित रखना है ना। माता पिता को मालूम है? उन्हें मालूम है? अच्छा कहाँ से आया बेटा? सागर बेगमगंज का बच्चा है। बहुत बढ़िया बेटा, देखा अपने जीवन में सफलता हासिल करो, वो बने ना बने उसकी भावना तो पवित्र है। मेरा श्री अभी द्रव्य संग्रह की स्वाध्याय चल रहा है। हाँ। उसमें 27 गाथाएं माताजी द्वारा सब बच्चों को याद हैं। कंठस्थ करो। ठीक है, हाथ के पैसे और कंठ की विद्या ही काम में आती बेटा। ठीक है ना, अंटी में दाम और कंठ में ज्ञान, बस यही काम में आएंगे। आत्मा शुभावम पुरिभाव भिन्न।